सर, ईडीएमसी की तरफ से राहत फंड के लिए क्या सब दिया जा रहा है? केरला में जो इतनी बड़ी त्रासदी आई है उसके लिए हमारी ईस्ट एमसीडी के सभी हमारे कर्मचारी ने पहल करके और 1,06,50,000 रुपए इकट्ठा हुआ है, जिसमें हमारा पहला किस्त 1 करोड़ रुपए का चेक आज बन करके केरला राहत कोष में यहाँ वहाँ पर भेजा जा रहा है। हमारी एमसीडी की सबसे माली हालत ख़राब है, हमारे कर्मचारियों को टाइम से सैलरी भी हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी हमारे अधिकारी सारे दरिया दिल को दिखाते हुए अपने अपने सैलरी से अपनी मेहनत की कमाई के पैसे को राहत कोष में देने का प्रयास किया है। सभी लोग बधाई के पात्र हैं और ये पहल हमारे ईस्ट एमसीडी से अभी पहली शुरुआत हुई है। तीनों एमसीडी से पहले हम लोगों ने चेक बना करके पहले राहत में देने का हम लोग प्रयास किया, जो हमारा 1 करोड़ का चेक अभी हम पहला किस्त में देने जा रहे हैं। हाँ, काउंसलर ने भी इसमें दिए हैं, सभी काउंसलर का जो 1 महीने का अलाउंस मिलता है वो सारा अलाउंस सभी काउंसलर ने दिए हैं, और अगला किस्त जाएगा उसमें अलाउंस भी सारा पैसा वो भी जुड़ जाएगा, 1,00,000 के लगभग वही पैसा बनता है, वही पैसा इसमें जुड़ा। सर, इसमें क्षेत्रवासी को भी सहयोग है? नहीं, कोई क्षेत्रवासी होते, केवल ईस्ट एमसीडी के हमारे कर्मचारी ए ग्रेड कर्मचारी से लेकर के डी ग्रेड कर्मचारी तक जितने भी कर्मचारी हैं, तो दिन डी ग्रेड में हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी भी अपने 250 रुपये एक दिन का उन्होंने दिया है इसमें सभी हरेक कर्मचारियों ने। सी ग्रेड के जो कर्मचारी हैं वो 500 रुपये दिए हैं, बी ग्रेड कर्मचारी हैं जो 1,500 रुपये दिए हैं, और ए ग्रेड जो कर्मचारी हैं वो 2,000 रुपये अपनी सैलरी का पैसा उन्होंने दिया है। सारे पैसा मिला करके 1,06,50,000 रुपये होता है, जिसमें 1 करोड़ का चेक हम लोग अभी पहला किस्त में दे रहे हैं। ग्रुप सी और डी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ₹35,000 ₹15,000 ₹35,000 ₹15,000 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